स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? ए सुबोध कुमार सिंह, बी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सी प्रदीप सिंह खरोला, डी डॉक्टर के राधाकृष्णन। आंसर ए सुबोध कुमार सिंह। एक्सप्लेनेशन। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ए आरबीआई के गवर्नर, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी केंद्रीय वित्त मंत्री। आंसर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। बैठक में परिषद ने सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की कई सेवाओं जैसे डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए किस प्रणाली पर काम किया जा रहा है? ए कवच 3.0, बी कवच 3.2, सी कवच 4.0, डी कवच 4.2। आंसर सी कवच 4.0। एक्सप्लेनेशन। भारतीय रेलवे को हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए कवच 4.0 प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने कवच के 3.2 संस्करण को तैयार किया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच 3.2 संस्करण को अत्यधिक व्यस्त रेलवे मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि कवच 4.0 भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगला प्रश्न। विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून, डी 22 जून। आंसर सी 21 जून। एक्सप्लेनेशन। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल ये दिन शुक्रवार को मनाया गया। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? ए मार्टिन गुप्टन, बी जोस बटलर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन। T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 224.39 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 8 छक्के जड़े। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम अब 203 छक्के दर्ज हो गए हैं। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने 173 छक्के लगाए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के नाम 137 छक्के दर्ज हैं।